नमस्ते बच्चों, हम लोग पिछले कुछ दिनों से दैनिक जीवन में यानी कि रोज उपयोग होने वाली चीज़ों के चित्र बना रहे हैं। उसमें हम लोगों ने कुछ फलों के और कुछ सब्जियों के चित्र बनाए। आज मैं आप लोगों के लिए एक अलग सी चीज़ लेके आई हूँ, बताओ उसका क्या नाम है। वो है मूंगफली। क्या है? मूंगफली। अभी देखो बच्चों, नवरात्र आने वाला है, उपवास रखेंगे घर में, कोई ना कोई मम्मी पापा या कोई ना कोई घर में उपवास रखेगा, तब फिर आप लोग क्या करोगे, फिर मूंगफली खाओगे, है ना। मूंगफली कच्ची खाओगे, भून के खाओगे। ये मूंगफली बहुत उपयोगी चीज़ है, सबको खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। इसका तेल निकलता है, इसका पनीर बनता है और इसका दूध निकाल के बिल्कुल वैसे ही आइटम बनाते हैं जैसे कि अपन गाय के दूध के आइटम बनाते हैं। तो चलो आज अपन क्या करते हैं, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, अपन लोग इस मूंगफली का चित्र बनाते हैं। तो ये देखो, यहाँ पे ये एक प्लेट में मैंने मूंगफली रखी है आप लोगों के लिए, दिख रही है ना मूंगफली। और यहाँ पे मैंने अपनी कॉपी में ऐसी ही एक छोटी सी प्लेट का चित्र भी बनाया है, ठीक है। अब आप लोग देखो कि मैं इसमें मूंगफली, अपन लोग क्या करते हैं, ये ऐसे मूंगफली का ऐसे ये ढेर बना लेते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा प्लेट का जो पीछे दिख रहा है, इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे मिटा लेंगे, ठीक है। ये देखो, ये मिटा लिया। और अब हम इसमें क्या करेंगे, ये अपनी छोटी छोटी मूंगफली जो है, ऐसी ऐसी ये छोटी छोटी मूंगफली इसमें ऐसे हम लोग रख देंगे। ये देखो, ये इसमें हमने मूंगफलियाँ, ये वाली जो सब मूंगफलियाँ हैं ना, ये रख दिया। इन मूंगफलियों में क्या होता है बच्चों, किसी मूंगफली में 3 दाने रहते हैं, किसी मूंगफली में 4 दाने रहते हैं, ऐसे मूंगफली में अंदर में दाने निकलते हैं। ये देखो, ऐसे हम लोग इसको फोड़ते हैं ना मूंगफली को, ये देखो मैं फोड़ के दिखाती हूँ। ये देखो, मूंगफली को हम लोग ऐसे फोड़ते हैं ना, ये देखो ये ऐसे, तो इसमें से दाने निकलते हैं, ये दाने। और ये लाल लाल दाने जो है ना, ये लाल लाल दाने, इनको हम लोग क्या करते हैं, खा लेते हैं। तो ये देखो, हमने ये एक मूंगफली का ढेर बना लिया और ये जो इसमें हमारी प्लेट का पीछे से दिख रहा था वो हमने मिटा दिया। और अब अपन क्या करेंगे, अब हम लोग एक मूंगफली का, एक ही मूंगफली अकेले का चित्र बनाते हैं, ठीक है। ये देखो, ये वाली मूंगफली है, इसको हम लोग थोड़ा सा बड़ा करके इसका चित्र बनाते हैं। तो देखो ये कैसी है, ऊपर से ये ऐसी घूमी हुई है, ठीक है, और यहाँ से ये ऐसी ऐसी निकली हुई है, ठीक है। और फिर यहाँ पे इसका एक ये घुमाव है, और एक घुमाव ये, फिर यहाँ पे इसका ऐसे है, ठीक है, और नीचे ये पूरी ऐसे बराबर हो गई है, ठीक है। ये एक मूंगफली बन गई आपकी। और एक आध इसके साथ में और बना लें क्या, एक आध मूंगफली इसके साथ में और बना लेते हैं। ये आपका जो प्लेट है, इसी में से मैंने इसको लिया है, ठीक है। तो ये हम इसके पीछे में एक मूंगफली और रख देते हैं। ये मूंगफली भी ऐसी ही है, ये देखो ये ऐसी है, ये हमने इसके पीछे में रख दी, समझ लो, ठीक है। ये मूंगफली जो है, इस वाली मूंगफली के पीछे में हमने रख दी। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका चित्र बनाते हैं। तो सबसे पहले अपन लोग क्या करते हैं, इस मूंगफली की ढेरी बना लेते हैं, ठीक है। तो मूंगफली की ढेरी बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस ढेरी में अपन रंग भर देते हैं, ठीक है। ये इसकी प्लेट हम लोग रख देते हैं, ये हम लोग पहले प्लेट ये इसकी बना लेते हैं, जिस प्लेट में ये रखी है। ये देखो, ये प्लेट बना ली हमने, जिस प्लेट में हमने इस मूंगफली को, मूंगफली का ढेर रखा है। ये देखो, ये हमने मूंगफली की प्लेट बना ली, ये देखो ये मूंगफली की प्लेट बन गई, ये देखो ये देखो, ये हमारी मूंगफली की प्लेट बन गई, ठीक है। ये इसमें हम हल्का सा रंग कर देते हैं, ये और इस साइड में हमको थोड़ा सा लाइट कलर करना है, ये लाइट कलर करना है, और एक साइड में यहाँ पे थोड़ा सा हमको डार्क करना है, क्योंकि यहाँ पे हमको थोड़ा सा डार्क दिखता है, ठीक है। तो इसमें हम थोड़ा सा डार्क कलर कर देते हैं, इसमें थोड़ा सा एक साइड से डार्क कलर कर देते हैं, ठीक है। और ऐसी अपन लोग इस ढेरी के लिए करते हैं। ये लो, पहले ढेरी में ये पूरी इस कलर की ऐसी दिखती है ना, ये देखो लगभग यही कलर दिख रहा है ना, तो ये हम लोग पूरा ढेरी में ऐसे ये कलर कर देते हैं, ठीक है। ये देखो, ये हम लोग पूरा इसकी ढेरी में ऐसे ये कलर कर देते हैं, मूँगफली की हमारी ये ढेरी बन गई। ढेरी मतलब जहाँ पे एक साथ खूब सारी मूँगफलियाँ रखी हुई है, किसी भी चीज़ को एक साथ हम लोग एक के ऊपर एक ढेर लगा के रख देते हैं, एक साथ समेट के, उसको ढेर बोलते हैं, है ना, सब जानते हैं ढेर किसको बोलते हैं। ये देखो, और फिर इसमें भी हम लोग वही काम करते हैं, क्या करते हैं कि इस साइड से थोड़ा सा हम लोग लाइट बना देते हैं और इस साइड से हम लोग थोड़ा सा डार्क बना देते हैं। ये इस साइड से पूरी हमारी जो ढेरी है ये थोड़ी सी डार्क हमको दिख रही है, क्यों, क्योंकि हमको यहाँ से उतना प्रकाश नहीं मिल रहा है जितना ये खिड़की से इधर आ रहा है ना प्रकाश, तो इस साइड में क्या हो रहा है,
इस साइड में हमको ये सब चीज़ें डार्क कलर की दिख रही है और इस साइड में लाइट कलर की दिख रही है। ढेरी हमारी भी पूरी ऐसी हो गई है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक 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 मूँगफली बनाने की कोशिश करते हैं। तो कौन से कलर से एक 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 मूँगफली हम लोग बनाएंगे, इसके लिए हम लोग चलो ये वाला भूरा रंग लेके करने की कोशिश करते हैं। ये वाला तो इसमें चल नहीं रहा है, तो अपन एक काम करते हैं, इसको ऐसे ये ऐसे हम एक 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 मूँगफली, छोटी छोटी मूँगफली ये इसमें हम बना देते हैं। ये देखो ये मूँगफली का ढेर हमारा बन गया। ये देखो ये छोटी छोटी मूँगफली हम बना देते हैं इसमें। ये देखो इसमें हमने पेंसिल से क्यों नहीं बनाया, क्योंकि हमने बोला कि हम सीधे इसमें रंग से कर लेंगे, ठीक है, इसलिए हमने पेंसिल से इसमें नहीं बनाया। पेंसिल से मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा बनाया था, ठीक है। ये देखो इसमें हमने मूँगफलियाँ, कितनी सारी मूँगफलियाँ रख दी, कितनी सारी मूँगफलियाँ छोटी छोटी, ये देखो पूरी मूँगफली हमने रख दी इसमें। ये देखो कैसे हमने छोटी छोटी मूँगफलियाँ बना के रखी बच्चों, देखो देखो कैसे हम लोग मूँगफलियाँ बना रहे छोटी छोटी। ये देखो ये एक मूँगफली ऐसी रखी है, ये मूँगफली एक खड़ी रखी है, एक मूँगफली आधी दिख रही है। ये देखो ये छोटी छोटी मूँगफलियाँ हम लोग इसमें बना के रख रहे हैं। ये देखो फिर अपनी ये जो बड़ी वाली मूँगफली इसमें भी अपन क्या करेंगे, रंग कर लेंगे, ठीक है। ये देखो ये छोटी छोटी मूँगफलियाँ हमने लगभग लगभग पूरी बना के इसमें रख दी। कोई मूँगफली आड़ी है तो कोई मूँगफली खड़ी है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करते हैं इसमें थोड़ा सा शेड दे देते हैं, ठीक है, जिससे कि कहीं कहीं पर क्या है, जहाँ पर मूँगफली नहीं है वहाँ पर हमको थोड़ा थोड़ा सा डार्क दिख रहा है ना। तो ये देखो ये हम यहाँ जहाँ जहाँ पर मूँगफली नहीं है वहाँ वहाँ पर थोड़ा सा डार्क कर दे रहे हैं। ये देखो जहाँ जहाँ पर मूँगफली नहीं है वहाँ वहाँ पर ये थोड़ा सा डार्क हमने कर दिया। ये देखो यहाँ देखो कहीं कहीं पे मूँगफली नहीं रखी है ना, वो वहाँ पे पीछे से हमको क्या दिख रहा है, थोड़ा सा डार्क दिख रहा है। ये देखो ये हमने थोड़ा सा डार्क कर दिया इसमें, ठीक है। ये देखो ये जहाँ जहाँ पे मूँगफली नहीं रखी है ये देखो डार्क कर दिया। और अब अपन क्या करेंगे, मूँगफली में हम थोड़ा सा नेचुरल इसमें लुक दे देंगे इसके ढेर को। देखो कितना सुंदर ढेर बना आपकी प्लेट में, ठीक है। और इसको हम लोग अभी प्लेट को नीचे से उठाएंगे ब्लैक कलर से, ठीक है। ब्लैक कलर लगा के हम लोग क्या करेंगे, इस प्लेट को उठाएंगे नीचे से। ये देखो ये हमने यहाँ पे ब्लैक कलर लगाया और ये जो आपकी प्लेट है इसको हमने ऐसे करके ऊपर उठा लिया। ये देखो ये हमने यहाँ पे नीचे डार्क कलर लगा के आपकी प्लेट को ऐसे ये ऊपर उठा लिया। ये देखो उठ गई ना प्लेट आपके ऊपर। ये देखो ये आपकी प्लेट जो है ये पूरी ऊपर उठ गई, ठीक है। और इसमें फिर हम थोड़ा सा ये शेड कर ले रहे हैं, इसमें हम थोड़ा सा शेड कर ले रहे हैं। ये देखो ये हमने इसमें शेड कर लिया। ये देखो ठीक है, ये देखो ये हमने शेड कर लिया। और यहाँ पे हम थोड़ा सा लाइट शेड और करेंगे, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, इसके लिए मैं इसमें ये देखो ये हमारा जो फेस वाला कलर है ना उसको मैं यूज़ कर लूँगी। ये देखो ये हमने फेस कलर, और इसमें भी हमको कहीं कहीं पर मूँगफली लाइट दिख रही है ना, जहाँ जहाँ पे वहाँ पे हमने ये फेस कलर लगा लिया, ठीक है। ये देखो कहीं कहीं पे हमको लाइट दिख रही है ना, ये हमने ऐसे फेस कलर लगा लिया। ये देखो और कहीं कहीं पे हमको एक कलर थोड़ा सा और लगाना पड़ेगा। वो कलर कौन सा है बच्चों, वो कलर है येल्लो। कौन सा है, येल्लो। ये येल्लो कलर हमको कहीं कहीं पर मूँगफली में और लगाना पड़ेगा। ये देखो तो ये आपका पूरा असली मूँगफली के ढेर जैसा बनके तैयार हो गया। ये देखो ये बन गया मूँगफली का ढेर। अब अपन लोग क्या करते हैं, इस वाली मूँगफली में रंग कर लेते हैं। तो इस वाली मूँगफली में करने के लिए हम लोग कौन सा रंग लें बच्चों, ये मूँगफली को भी हमको वैसे ही करना है। हमको ये कहीं पर थोड़ा सा लाइट दिख रहा है, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर लाइट कलर छोड़ देंगे, ठीक है। अपन नीचे का जो वाइट दिख रहा है ना वो छोड़ देंगे, और यहाँ पे ऊपर में हम लोग क्या करेंगे, ये लाइट कलर कर लेंगे। ये देखो ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, इस वाली मूँगफली में भी क्या करेंगे, बीच में लाइट छोड़ देंगे यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे एक लाइट कलर कर लेंगे। और फिर दूसरा कलर हम लोग कौन सा करेंगे, इससे मिलता जुलता दूसरा कलर हम लोग करेंगे। ये देखो ये हमने एक दूसरा कलर कर लिया। ये देखो ठीक है, ये हमने एक दूसरा कलर कर लिया। ये देखो ठीक है,
और तीसरा कलर हम लोग कौन सा करेंगे, तीसरा कलर हम लोग थोड़ा सा इससे डार्क करेंगे। ये देखो, ये हमने तीसरा कलर जो किया ये थोड़ा सा डार्क है, ये देखो, ये थोड़ा सा डार्क है, ये देखो, ये हमने थोड़ा सा डार्क कलर कर लिया, ये देखो। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अब अपन ये जो नीचे वाली मूँगफली दिख रही है इसको भी थोड़ा सा कलर कर लेते हैं। ये देखो, ये भी नीचे से दिख रही है ना मूँगफली, इसको भी कलर कर लेते हैं, और यहाँ पे ये वाला इसको फिनिश कर लेते हैं। ये देखो, ये हमारी मूँगफली जो है ये फिनिश हो गई। वाह, अब अपन इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा टूटे हुए पेस्टल से इसको थोड़ा सा शेप देने की कोशिश करते हैं। ये देखो, हमने टूटे हुए पेस्टल से इसको थोड़ा सा शेप दे दिया, ये देखो, ये देखो। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे इसमें मूँगफली में, इसको कागज़ से उभरा हुआ दिखाने के लिए इसको हम थोड़ा सा आउटलाइन कर देंगे। ये ऐसे हम लोग ये कागज़ से उभरा हुआ दिखाने के लिए इसको थोड़ा सा आउटलाइन कर देंगे। ये देखो, ये हमारी आउटलाइन हो गई, ये देखो, ये देखो, हो गई आउटलाइन, ये देखो बढ़िया सी। ठीक है, ये देखो बन गई, पूरा शेप भी आ गया आपकी मूँगफली का। ये देखो, ये इसको भी हम लोग ऐसे थोड़ी सी आउटलाइन, डार्क से हम लोग करते नहीं हैं लेकिन आज हम लोग इसको कर दे रहे हैं जल्दी फिनिश करने के लिए। ठीक है, ये लो, ये हमने इसको ऐसे फिनिश कर दिया, ये देखो। ठीक है, अब मैं इसको ना क्या करती हूँ, इसको हम लास्ट एक फिनिशिंग टच देने के लिए इसको वाइट से मर्ज करने की कोशिश करते हैं। ये वाइट से हम इसको मर्ज करने की कोशिश करते हैं, ये देखो, ये देखो, हमने इसको वाइट से ऐसे मर्ज कर दिया, ये देखो, वाइट से हमने इसको अच्छे से मिला दिया, मर्ज कर दिया। ठीक है, ये देखो, ये हमने इसको वाइट से ऐसे मिला दिया। अब ये देखो, पूरे नेचुरल दाने भी बने दिख रहे हैं लेकिन फिर भी अपन लोग एक लास्ट फाइनल टच देने के लिए इसमें ये जो छोटे छोटे से दाने दिख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे से दाने अपन बनाते हैं इसमें। ठीक है, ये जो छोटे छोटे से दाने दिख रहे हैं ना, ये छोटे से हम लोग बना लेते हैं। ये देखो, ये हम अपनी मूँगफली में लास्ट फिनिशिंग टच देने के लिए ऐसे छोटे छोटे से दाने बना रहे हैं। ये देखो, ये देखो, ठीक है, ये देखो, आपकी पूरी मूँगफली बनके तैयार हो गई। ये देखो, ये देखो, कैसी दिख रही है बच्चों, मूँगफली अच्छी दिख रही है। ये देखो, ये ढेर है इसका, और ये इसके दो हमने अलग से दो मूँगफलियाँ बनानी है, और इसके दाने नहीं बनाए हैं। चलो अगली बार अपन इसके दाने भी बनाएंगे। ठीक है, तो बच्चों कल मैं कोई और चीज़ लेके आप लोगों के पास में आऊँगी, और कल हम लोग कुछ और किसी चीज़ का चित्र बनाएंगे। तब तक के लिए बाय।